हाँ तो यार भाई लोग वीवो Y22 बहुत ही जल्द पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होने वाला है एंड वीवो Y21 की तरह धड़ाधड़ सेल भी होने वाला है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ क्योंकि यार देखो वीवो जो है ना हमेशा से डिजाइन को लेकर काफी ज्यादा मस्त चीजें करता है और इसका स्मार्टफोन जो है बहुत ही ज्यादा सेल आउट होता है मार्केट के अंदर। हर बंदा भी चाह रहा होता है कि वीवो या फिर ओप्पो। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैं जो है वीवो Y22 के बारे में सब कुछ आपको बताने वाला हूँ कि ये फोन कब आने वाला है, क्या प्राइसिंग रहने वाली है, क्या आपको वेट करना चाहिए या फिर नहीं, सब कुछ इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के हवाले से। तो यहाँ पर जो है डिजाइन में कोई भी कमी नहीं छोड़ी गई, जिस तरह हमने देखा वीवो Y20, Y21, अब यहाँ पर Y22 का डिजाइन बहुत ज्यादा औसम रखा गया है। यहाँ पर आपको जो है दो कलर्स के अंदर देखने को मिल जाता है, स्पेशली जो ब्लू कलर है, जो ओशन ब्लू कलर है, वो काफी ज्यादा कमाल का रखा गया है। जहाँ पर आपको जो है बॉक्सेस टाइप पैटर्न देखने को मिल जाता है बैक के अंदर, जो कि काफी ज्यादा कमाल का डिजाइन बनाता है। यहाँ पर आपको जो है बॉक्सी डिजाइन देखने को मिल जाता है, फ्लैट एजेस के साथ में आता है, डुअल कैमरा है, साथ में रेडी फ्लैश है, प्लास्टिक बैक है, लेकिन यहाँ पर डिजाइन काफी ज्यादा कमाल का रखा गया है। यहाँ पर आपको साइड मॉडल फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है। फ्रंट साइड की बात करता हूं तो यहाँ पर आपको जो एक वाटर ड्रॉप नोच वाला डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि डिसअपॉइंटिंग चीज है, लेकिन यहाँ पर आपको 6.55 इंचेस का IPS LCD वाला पैनल मिल जाता है, 720 पिक्सल के रेजोल्यूशन देखने को मिल जाते हैं। दैट्स इट, यहाँ पर आपको जो है यही डिस्प्ले में मिलेगा, जो कि मैं कहूंगा यार एक नॉर्मल डिसेंट डिस्प्ले रखा गया है। जिस तरह Y20 के अंदर आपको देखने को मिल जाता था वही पुराना डिस्प्ले यूज किया गया है, जो कि मैं कहना चाहूंगा यार थोड़ा बहुत अपग्रेड करना चाहिए या फिर हायर रिफ्रेश रेट या फिर 1080 पिक्सल देना चाहिए थे। खैर यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ वेरिएंट्स के वाले से, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको 8GB की रैम के साथ 128GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगी, जो कि आपको जो है 3GB के एक्सटेंडेड रैम का फीचर भी देखने को मिल जाएगा, जो कि किसी भी काम नहीं आता। यहाँ पर अगर मैं बात कर लेता हूँ कैमरास के वाले से, तो यहाँ पर आपको जो है डुअल कैमरा दिया गया है बैक के अंदर, 50MP का मेन कैमरा है, साथ में 2MP का डेप्थ सेंसर है। जो मेन कैमरा है वही आपके वर्किंग में आने वाला है, बाकी यहाँ पर जो 2MP वाला है वो खानापुरी के लिए यहाँ पर रखा गया। बाकी यहाँ पर फ्रंट के अंदर आपको 8MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, सो बैक का मेन कैमरा ही आपके असल काम आने वाला है, बाकी यहाँ पर फजूल सेंसर लगाए गए हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ प्रोसेसर की, तो यहाँ पर यूज किया गया है MediaTek Helio G85 वाला प्रोसेसर, जो कि अपग्रेड तो किया गया है, लेकिन G85 एक पुराना चिपसेट है, लेकिन हाँ काइंड ऑफ अच्छी गेमिंग आपको प्रोवाइड करता है। G85 आपको जो है अच्छे ग्राफिक्स प्रोवाइड करता है पबजी के अंदर, सो आप लोग जो है हल्की फुल्की गेमिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 12 के साथ में FantaChoice 12 देखने को मिल जाएगा, 5000mAh की बैटरी होगी, 18W की फास्ट चार्जिंग होगी, जो कि आई थिंक यहाँ पर जो है 33W की फास्ट चार्जिंग को कंसिडर करना चाहिए था। खैर यहाँ पर आपको टाइप सी पोर्ट 3.5 mAh एंड स्लॉट देखने को मिल जाएगा। तो ये थे इसके कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। अब बात करते हैं प्राइसिंग की, तो यहाँ पर जो है प्राइसिंग भाई साहब बहुत ही ज्यादा रहने वाली है। जिस तरह हमने देखा वो Y21 जो है वो कुछ 28,000 का लॉन्च किया गया था, अब यहाँ पर वो जो है 40,000 रुपए की प्राइस के अंदर बिक रहा है, तो इसकी प्राइस भी कहीं ना कहीं 40 के अबाव या फिर उसके अराउंड में रहने वाली है। ये बात आपने जरूर माइंड में रखनी है, इसकी प्राइसिंग ज्यादा रहने वाली है, फिर भी लोग भाई इसे खरीदने वाले हैं क्योंकि वीवो है, तो यहाँ पर लोग पागल हो जाते हैं, इनके जो है स्टॉक्स खत्म हो जाते हैं मार्केट के अंदर, तो ये वाला स्मार्टफोन भी सेल आउट होने वाला है। डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगा यार आप लोग जो है किसी और ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं, बिकॉज यार 40,000 इज अ बिग अमाउंट, तो यहाँ पर आपको जो है किसी और स्मार्टफोन के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पर आपको जो है अच्छे स्पेक्स मिल रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ लॉन्चिंग डेट के हवाले से, तो ये वाला स्मार्टफोन जो है जल्दी पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। अब यहाँ पर टीज वगैरह करना स्टार्ट कर दिया है, हो सकता है ये वाला स्मार्टफोन इसी मंथ या फिर नेक्स्ट मंथ के अंदर लॉन्च किया जाए, या फिर हो सकता है नेक्स्ट ईयर जनवरी के अंदर आपको ये वाला स्मार्टफोन देखने को मिल जाए, बिकॉज यार अभी तक कोई भी स्मार्टफोन इतने ज्यादा लॉन्च नहीं हो रहे। हाँ यहाँ पर जो है कुछ एक दो स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं, लेकिन अभी यहाँ पर जो है टाइम लगेगा स्मार्टफोन के लॉन्च होने में। देखते हैं यहाँ पर जो है वीवो इसे कब लॉन्च करता है और क्या प्राइसिंग के अंदर लॉन्च करता है। आप लोग क्या कहना चाहेंगे आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी वीडियो के अंदर इतना ही, वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक करते हैं, चैनल पर हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।